जाल में फंस जाएगा। और राजस्थान की मरुभूमि में देखते ही देखते जैसलमेर दुर्ग आकार लेने लगा। इस दुर्ग का निर्माण सन 1156 ईस्वी में महारावल जैसल ने आरंभ किया। 80 फुट ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर स्थित ये विराट दुर्ग त्रिकोण आकार का है। त्रिकूट पर्वत पर सिर उठाए खड़ी इसकी 30 फुट ऊंची दीवारें और इसका बृहद आकार अपने वैराग्य से ही शत्रु के सामर्थ्य और मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस दुर्ग का प्राथमिक जल स्रोत वही विशाल कुप है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। कुएं पर लगा पाषाण शिलालेख इस बात का साक्षी है। सुन अर्जुन मो वंशरा जैसल नाम धराए, को एक दिनों के आंतरे एथ बसेला आए। जैसलमेर के दुर्ग की पराक्रम गाथाओं की साक्षी ये विशाल तोप है। कहते हैं कि कड़क बिजली नाम की इस तोप का गोला 1 मील दूर तक मार करता था। दुर्ग के अखे पोल और सूरज पोल के बीच का मैदान वो पावन स्थल है जहां पर एकत्रित होकर रणबांकुरों ने निर्णायक बलिदानी आक्रमण किया था। अपने स्थापत्य में अभेद्य इस विराट दुर्ग का सौंदर्य भी अप्रतिम है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे देखकर लगता है मानो स्वर्ग से स्वर्ण का कोई दुर्ग राजस्थान की इस पुण्य भूमि पर रणबांकुरों के पराक्रम और बलिदान के यश में वृद्धि करने भूमि पर उतर आया हो। विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने इसे सोनार दुर्ग ही कहा था। अपनी स्थापना के समय में जैसलमेर का यह दुर्ग विशिष्ट था क्योंकि ये उत्तर भारत से गुजरात जाने वाले अति महत्वपूर्ण व्यावसायिक राजमार्ग के ठीक मध्य में स्थित था। इस विराट मरुभूमि में ये आने जाने वाले व्यापारियों के काफिलों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल तो था ही। इस स्वर्णिम दुर्ग की सेनाएं उन्हें इस वीराने में सुरक्षा और सुगमता की आश्वस्ति भी देती थी। यही कारण था कि इस दुर्ग पर अनेक बार आक्रमण हुए, अनेक बार इस पर नियंत्रण के लिए इसकी घेराबंदी की गई, परंतु सन 1294 में जो हुआ उसने विश्व में पराक्रम और बलिदान की एक नई गाथा लिख दी। सन 1294 में तुर्क खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने किले को सब ओर से घेर लिया। दुर्ग अभेद्य था, इसलिए प्रतीक्षा करना ही एकमात्र विकल्प था और खिलजी ने प्रतीक्षा की। कई वर्ष बीत गए। सन 1299 आते आते जब किले में रसद समाप्त होने लगी तब स्वाभिमानी राजपूतों ने समर्पण करने की जगह अपना बलिदान करना सर्वोपरि माना। पुरुषों के सिर पर केसर या पाग सज गए, भव्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती हुई वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदा ली। श्रृंगार से सज अपने बाबुल और पति के पराक्रम का यशगान करती, अपने घाघरे और गोटे के सौंदर्य के अभिमान में नृत्य करती, हजारों वीरांगनाओं ने धधकती अग्नि में अपना जीवन उत्सर्ग कर अग्नि को भी पवित्र कर दिया।
अपनी स्त्रियों के बलिदान से प्रेरित वीर कभी न लौटने के लिए लड़े और रणभूमि को अपने पराक्रम से कंपा दिया। आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है। कुछ समय बाद वीर भाटी राजपूतों ने जैसलमेर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, परंतु साधु की भविष्यवाणी सच होनी ही थी। सन 1315 के आसपास एक बार पुनः जैसलमेर की अग्नि परीक्षा हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसलमेर के दुर्ग को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 स्त्रियों ने शाका किया, परंतु साधु ने महारावल जैसल को 250 की चेतावनी दी थी। 16वीं सदी में एक अफगान सरदार आमिर अली ने छल पूर्वक स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले में घुसा दिए। दुर्ग के भीतर ही रण छिड़ गया। अपने साथ हुए धोखे से हतप्रभ छत्राणियों ने एक बार फिर शाका के लिए तैयारी की, परंतु इस बार शत्रु जीवित वापस नहीं जा सका। समय रहते किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की नींद सुला दिया। राजस्थान का आकाश आज भी उन बलिदानों के यश से गूंजता है। भारत के सदियों तक पराधीन रहने के बाद भी उनकी वीरता और स्वाभिमान को भुलाया नहीं जा सका।